अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। बेटा हम लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जो है उसका लास्ट टॉपिक स्टार्ट करना था, रोल ऑफ़ कायदे आज़म इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। कि कायदे आज़म का बेसिकली क्या रोल था, क्या किरदार था पाकिस्तान को बनाने में, उसके कायम करने में, जो है उनकी जो स्ट्रगल है, जो उन्होंने तमाम लोगों को एक ट्रैक पे रखा और एक ऐसे जो है सिंगल माइंडेड जो है हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक अकेले दिमाग के साथ जो है वो फैसले किए और जो कि आगे चलकर मुसलमानों की फलाह के लिए या उनकी कामयाबी के लिए बेहतर हुए। स्ट्रगल जो है बेशक उसमें तमाम लोगों की तरफ से थी, तमाम लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, लेकिन गाइडलाइन जो है वो कायद आजम की तरफ से जो रही उसने आगे चलकर मुसलमानों को एक मंजिल की तरफ लेके गए। द कायद आजम टुक पार्ट इन द पॉलिटिक्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट ऑन रेगुलर बेसिस इन 1906। अब वो कहता है कि बरे सगीर की जो सियासत है उसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो कायद आजम ने जो पार्टिसिपेट करना शुरू किया वो उन्होंने तकरीबन 1906 में किया। एंड ही वॉज इलेक्टेड मेम्बर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 1910 एट बॉम्बे। अब वो कहते हैं कि उन्होंने जो मजलिस कानून साज है या कानून साज कौंसिल है उसके लिए मुसलमानों की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मुसलमानों का जो हल्का है, वहाँ से अगर देखा जाए तो 1910 में एट बॉम्बे जो है बॉम्बे के मकाम पर जो है बॉम्बे शहर जो है वहाँ पर आपने इलेक्टेड मेंबर के तौर पर काम किया, कानून साज कौंसिल के इलेक्टेड मेंबर के तौर पर, ठीक है। इन द बिगिनिंग शुरू में ही वाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द कांग्रेस। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर रहे कांग्रेस के लिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया आपने। एंड ही जॉइन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913 और उसके बाद 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। एंड कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना रिमेन मेंबर ऑफ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग सिमल्टेनियसली। अब वो कहते हैं कि कायद अजम जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों जमातों के जो है वो रुकन रहे और आपने दोनों जमातों के लिए बहुत एक्टिवली काम किया, क्योंकि उस वक्त आपका ये ख्याल था कि मुसलमानों और हिंदुओं को इकट्ठा रहना चाहिए। ड्यू टू हिज एफर्ट्स, उनकी अगर कोशिशों को देखा जाए, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग जॉइंट सेशन वॉज हेल्ड इन 1915 एट बॉम्बे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जॉइंट सेशन यानी उनका जो है इकट्ठा एक इजलास हुआ दोनों पार्टियों का, जो कि 1915 में जाके बॉम्बे में जो है वो होता है इजलास 1916 जो कि 1916 में हुआ। और ये कायदे आज़म की एफर्ट्स की वजह से था कि लखनऊ पैक्ट जो है मुआहिदा लखनऊ 1916 में हुआ और वाज साइन बिटवीन टू पार्टीज, दोनों पार्टियों के दरमियान दस्तखत किए गए। बेसिकली ये वो पॉइंट था कि जहाँ पर आकर हिंदुओं और मुसलमानों ने यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की तरफ से किसी एक चीज़ पर मुत्तफिका जो है वो फैसला हुआ था और कुछ टाइम के लिए जो है हालात वो बहुत बेहतर हो गए। अब वो कहता है कि दिस यूनिटी वाज द रिजल्ट ऑफ द कायदे आजम एफर्ट्स, ये जो इताद है ये कायदे आजम की एफर्ट्स या उनकी कोशिशें जो हैं उसका नतीजा था। एज अ मुस्लिम लीग लीडर, अगर मुस्लिम लीग के एक लीडर की हैसियत से अगर उन्हें देखा जाए तो ही अचीव पाकिस्तान एंड बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल, उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से आपने काम किया। एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज द रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूस एफर्ट्स, और जो पाकिस्तान का क्याम है वो भी आपकी मुसलसल जो कोशिशें थी उनकी वजह से था। एंड यूनिक टैलेंट, और जो आपका एक मुनफरिद आपके अंदर जो सलाहियत थी, एंड सेल्फलेस सर्विसेज, और आपकी जो बेलोस जो खिदमत थी ऑफ एम ए जिना मोहम्मद अली जिना की, द फॉलोइंग आर हिज अचीवमेंट्स। अब वो कहता है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो जो भी कोशिशें आपने की और आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी बने, आपको पहले भी बताया कि दोनों ममालिक का जब तक आईन नहीं बना था तो उन्होंने 1935 के कानून के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया दोनों को चलाया गया, तो इसलिए बेसिकली उस कानून के मुताबिक जो आपका सरबराह होता था वो प्रेजिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं कहलाता था, वो गवर्नर जनरल कहलाता था, ठीक है। जब अपना आईन बन गया तो उसके बाद प्रेजिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के अहदे थे, ठीक है। फिर उसके बाद लखनऊ पैक्ट, अगर लखनऊ पैक्ट के हवाले से देखा जाए वो कहता है पहली जो अचीवमेंट थी आपकी वो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, यानी मुआहिदा लखनऊ जो है वो आपकी कामयाबी रही। जिना थॉट दैट द ब्रिटिश वाज द कॉमन फो ऑफ बोथ द मुस्लिम एंड द हिंदूज। अब वो कहता है कि बरतानिया जो है कायदे आजम ने ये रियलाइज़ किया कि सिर्फ बरतानिया ही अंग्रेज़ ही वो एक जो है फिगर हैं जो कि मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के लिए फो यानी दुश्मन की हैसियत रखते हैं। एंड ही विश दैट द कांग्रेस
एंड द मुस्लिम लीग शुड फाइट साइड बाई साइड अगेंस्ट द ब्रिटिश। और वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को मुतहद होकर लड़ना चाहिए अंग्रेज़ों के खिलाफ, और दोनों को यूनाइटेड होकर काम करना चाहिए। लखनऊ पैक टुक प्लेस इन 1916 ड्यू टू द सेल्फलेस एफर्ट्स ऑफ कायदे आज़म। मुआहदा लखनऊ 1916 में कायदे आज़म की बिलोस खिदमात की वजह से हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा द कांग्रेस रिकग्नाइज द राइट ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। पहली दफ़ा कांग्रेस जो है उसने जो अलहदा तरीका इंतखाब है उसको एक्सेप्ट किया, उसको माना, यानी मुसलमानों के अलहदा नुमाइंदे होने चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को एक्सेप्ट किया। 14 पॉइंट्स। अब वो कहता है कि कायदे आज़म के जो 14 निकात हैं उनके वाले से बात करता है कि जो कि 1929 में आपने पेश किए नेहरू रिपोर्ट जो है उसके जवाब में, ठीक है। द ब्रिटिश डिमांडेड प्रपोजल फ्राम द पोलिटिकल पार्टीज टू ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस पोलिटिकल रिफॉर्म्स इन द सब कॉन्टीनेंट। अब वो कहता है कि बरतानिया ये चाहता था कि हिंदुस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको तजवीज़ जो है वो दी जाए कि वो सियासी रिफॉर्म के हवाले से, असलाहत के हवाले से बरेसगीर के अंदर। एंड इन एंड आयरॉनिकली सेड दैट द इंडियन पोलिटिकल पार्टीज़ वर नॉट कैपेबल टू ड्रा अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो कहता है कि उन्होंने ये क्लियरली ये बात कही कि जो है जो सियासी जमातें हिंदुस्तान की वो इस काबिल नहीं है कि वो अपना आइन बना सकें। रिस्पॉन्डिंग टू दिस ऑल द पार्टीज कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेड इस प्रपोजल इन द शेप ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। अब वो कहता है कि जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने नेहरू रिपोर्ट की सूरत में अपनी जो गुजारिशात थी वो पेश की, क्योंकि तमाम पार्टीज़ ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया और उन्होंने इस चीज़ को इंसल्ट तसव्वुर किया, इसलिए नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। एंड द कायदे आज़म प्रेजेंटेड इस 14 पॉइंट्स इन रिएक्शन टू नेहरू रिपोर्ट। अब कायदे आज़म ने अपने 14 नुकात जो वो नेहरू रिपोर्ट के रद्द अमल के तौर पर पेश किए थे, एंड बिकॉज इट वॉज़ नॉट इन लाइन विद द लखनऊ पैक्ट, और ये लखनऊ पैक के हवाले से जो है वो नहीं थे। 14 पॉइंट्स फॉर अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। अब वो कहता है कि ये बेसिकली जो है ये एक रिटन डॉक्यूमेंट था और एक तारीखी जो है दस्तावेज़ की हैसियत रखता था। एंड दीज पॉइंट्स एक्सपेंडेड एंड टू प्रैक्टिकल शेप एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। अब वो कहता है कि बेसिकली एक्सपेंडेड यानी एक जो है वो वाज़े नुकात थे जो कि प्रैक्टिकली जिनको प्रैक्टिकल शेप के तौर पर लिया गया, और उसके अलावा इसके लिए फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान जो थी, जो पाकिस्तान का क़याम था उसकी तरफ इसने हेल्प आउट किया। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपकी कोर एफर्ट जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, गोल में इस कॉन्फ्रेंसेस अ मीटिंग ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वाज कन्वेंड इन द ब्रिटेन फॉर द फ्यूचर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया। अब वो कहते हैं हिंदुस्तान की जो सियासी रिफॉर्म्स या असलाहत थी मुस्तकबिल के हवाले से, तो उसको एक मीटिंग जो है वो हेल्ड की गई थी, बुलाई गई थी। एंड दीज कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड ऑन द इन्विटेशन ऑफ द ब्रिटिश, और ये जो कॉन्फ्रेंसेस थी वो बुलाई गई थी बरतानिया के इन्विटेशन पर, दावत पर, फ्रॉम 1932 टिल 1932 जो कि 1930 से 1932 तक थी। एंड इन दीज कॉन्फ्रेंसेस और इन कॉन्फ्रेंसेस में द कायदे आज़म प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स। कायदे आज़म ने जो हिंदुस्तानियों के मफादात थे उनको जो है इंटरेस्ट या मफादात थे उनको तहफ़ किया था। एंड प्रेजेंटेड पॉजिटिव प्रपोजल्स टू रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स, और उन्होंने जो आइनी मसाइल थे उनके हाल के लिए एक मस्बत जो हाल है वो पेश किया था। ही गाइडेड द इंडियन मुस्लिम सिंसियरली, उन्होंने बहुत सिंसियरिटी बहुत मुखलिस तरीके से हिंदुस्तानियों की मदद की, उनको गाइडलाइन दी, एंड मेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द पोलिटिकल राइट्स ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, और जो अंग्रेज़ हैं उनको मुसलमानों के जो सियासी हकूक़ हैं उनके हवाले से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आगाह किया। तो इसलिए कायदे आज़म के हवाले से अगर देखा जाए तो उनके मज़ीद जो भी एफ़र्ट्स हैं उनको मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे हम। मुस्लिम लीग के हवाले से डिस्कस करेंगे, फिर रोल ऑफ माइनॉरिटीज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे जो कि अपने अगले लेक्चर में रिव्यू में करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो कायदे आज़म का रोल है वो अगले रिव्यू में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।